अब इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी टेक्स्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड स्पेशल आना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक केस लेते हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल US या IND लिखना ही कंपलसरी है, यानी हम कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं लेकिन हम उसमें USD लिखना पड़ेगा। यानी अगर हम USD लिखते हैं तो वो वैल्यू एक्सेप्ट की जाए, अदरवाइज ना की जाए। चाहे वो USD हम स्टार्टिंग में लिखें या फिर एंड में लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे वापस अपने वैल्यूज़ में। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं फाइंड करूँ, अगर मैं इसको इसमें फाइंड करूँ तो आप देखेंगे कि ये 7 नंबर पर आ रहा है। कि अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर वो वैल्यू नहीं है तो देखिए एरर देगा, राइट। अगर वो वैल्यू होगी तो वो आएगा, अदरवाइज वो एरर देगा। तो यानी कि अगर एरर आती है तो उसका मतलब ये है कि वो उसमें फाइंड नहीं है। ठीक है, तो एरर को पर मुझे फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इज एरर करूँ और ब्रैकेट क्लोज कर दूं, तो आप देखेंगे कि जहां पर एरर आई है वो ट्रू है। तो यहां पर ये इसको एक्सेप्ट करने देगा, लेकिन हमें इसका अपोजिट केस चाहिए। हम चाहते हैं कि इसको एक्सेप्ट करें और इसे एक्सेप्ट ना करें, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर फॉल्स है तो ट्रू चाहिए, ट्रू है तो फॉल्स चाहिए। तो सिंपल हमारे पास एक और फॉर्मूला है, नॉट। नॉट फंक्शन हम लगा लेंगे, तो अब हमारा ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। तो इस फंक्शन को अब हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करके सेम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे और कस्टम फंक्शन में जा कर के फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, देखिए ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा। लेकिन अगर मैं लास्ट में USD लगा देता हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा, क्योंकि फाइंड जो है केस सेंसिटिव है। तो मैंने वहाँ पर USD कैप्स में लिखा है तो वो कैप्स में ही उसे एक्सेप्ट करने देगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी केस हो, चाहे स्मॉल में भी चल जाएगा, तो फाइंड की जगह सर्च यूज़ कर सकते हैं जैसा हमने पहले सीखा है।